Bombay Shaving Company, guys. Do you guys remember your first shave, girls? Yeah. And your first date? दोनों में सिमिलैरिटी याद आ रही है? अंदर से ये आवाज आती है, आज तो कटा. But it can go smooth AF, girls. Only अगर आपकी डेट और रेजर दोनों बेस्ट फ्रेंड ने रेकमेंड किया है. एंड कंसिडर मी योर बेस्ट फ्रेंड, गर्ल्स. करो शेव. 15 मिनट में डेट है, शेव. गर्ल्स नाइट आउट, शेव. क्वालिटी टाइम विद डैड, शेव. कितनी बार तो वो बाकी मुझसे मांगते हैं आफ्टर शेव जेल. वी जैमिंग बोथ ऑफ अस. तोड़ दो वैक्सिंग वाली आंटी का दिल. वो इतनी मीन औरत है ना, तुम्हारी शादी का दिन भी होगा ना, तुम दुल्हन बड़ी सुंदर कपड़ों में खड़ी होगी, फिर भी तुम्हारे कानों में आके बोल देंगी, अंडर स्किन के बाल दिख रहे हैं. मेरे से नहीं कराया ना तुमने? किसी की सगी नहीं है वो. मेरे पता है, मेरे सच में पार्लर जाके वैक्सिंग के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं. क्यों? क्योंकि मेरी टांगे लंबी है. ये क्या बात हुई? कितनी बार तो दीदी टांगे वैक्सिंग करने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है क्रीम लगा के मसाज. मैं करती हूँ, बहन तू थक गई होगी, बैठ आराम कर. आप लोग पता है आईब्रोज को हिंदी में बौही कहते हैं, उन्हें नहीं पता. मैं जाके बोलती हूँ बौही बना दूंगी, वो घबरा के अपनी कलीग से, ये कहाँ के बाल मुड़वाएगी, वो पिकनी वैक्स लेगी, शायद मुझे बोलने में शर्म आ रही है, तो मैं कुछ भी कम गलत कहानी बना रही हूँ. आईब्रोज वाली जो दीदी होती है इतना गैस लाइट करती है मुझे, मुझ पर नाम आपने लूज स्किन छोड़ दी, कट पड़ गया. मैं पागल हूं ना, मेरे को शौक है मुजरिम दिखने का. आज इंस्टाग्राम पे जेल लुक में फोटो डालनी थी मुझे, खुद बना लूंगी बौहे में अपनी, इतनी सुंदर बना के देख लो. मेरी आपस में आईब्रोज गा रही है, बौहे के दरमिया दो प्यार मिल रहा. प्यार से याद आया गाइस, रिलेशनशिप्स भी स्मूथ AF ही होने चाहिए, आई फील. बट ब्रेकअप्स शुड बी स्मूदर गाइस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. कोई है बेवकूफ जो है रिलेशनशिप के बाद दोस्ती रखने की कोशिश कर रहा है ब्रेकअप के बाद आने? देखो मैं अकेली नहीं हो सकती, प्लीज टेल मी. क्यों एक बार बताओ मुझे, अगर रिलेशनशिप नहीं चला जिसमें सेक्स था तो साथ में बड़ा पाव के क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं रखा यार. The only time your relationship should be rough is when it's drunk sex time. क्योंकि होश में तो मुझे साफ दिख जाता सब गलत गलत कर रहा है. On that note guys, thank you so much for listening to me.